अकाउंट में है अरबों रुपए, पर खुद जीते हैं सादा जीवन। रतन टाटा के छोटे भाई सादगी की मूरत हैं। ना मोबाइल रखते हैं ना टीवी, सुरक्षा के भौकाल से कोसों दूर दो कमरे के फ्लैट में काट रहे हैं जीवन। दोनों भाइयों ने नहीं की शादी, रतन टाटा ने शेयर की फोटो तो लोग ढूंढने लगे जिमी टाटा का किस्सा। रतन टाटा की सादगी तो हम सब ने देखी है, लेकिन उनके छोटे भाई इतना सादा जीवन जीते हैं कि खुद रतन टाटा भी उनकी सादगी के कायल हैं। आज भी रतन टाटा के छोटे भाई जिमी टाटा के अकाउंट में अरबों रुपए होंगे। वो टाटा समूह के ट्रस्टी रहे, लेकिन कभी भी कोई भौकाल नहीं दिखा। उनका डेली रूटीन, फ्लैट और रहने का तरीका सुनकर हो सकता है आप भी चौंक जाएं, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देखिए जो रतन टाटा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर की है। रतन टाटा ने तस्वीर शेयर कर लिखा, वो खुशी के दिन थे, मैं छोटे भाई जिमी के साथ साल 1900 तस्वीर है। 78 साल पुरानी यह तस्वीर देखकर हर कोई भावुक हो गया। इससे पहले उद्योगपति हर्ष गोयनका ने बीते साल जिमी टाटा की तस्वीर शेयर की थी और लिखा था, ये स्क्वैश के अच्छे खिलाड़ी हैं, मुझे कई बार हराया भी, लेकिन चमक धमक से कोसों दूर रहते हैं। तभी कुछ लोगों ने पहली बार जाना कि रतन टाटा के कोई भाई भी हैं। रतन टाटा और उनके भाई दोनों मुंबई के कोलाबा में रहते हैं। रतन टाटा ने जहां समुद्री किनारे अपना शानदार बंगला डिजाइन करवाया है, तो वहीं उनके भाई जिमी टाटा कोलाबा में ही दो कमरों के फ्लैट में रहते हैं। के पास आज के इस जमाने में ना तो मोबाइल है ना ही टीवी। जब पहली बार एक अंग्रेजी अखबार का रिपोर्टर उनका इंटरव्यू करने पहुंचा, रिपोर्टर आप देश दुनिया की खबरें कैसे जानते हैं, मोबाइल या टीवी क्यों नहीं देखते? जिमी टाटा, मैं रोजाना अखबार खरीदता हूं, उसी से देश और दुनिया के बारे में अपडेट मिल जाता है, मोबाइल टीवी में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। उसी रिपोर्टर से जिमी टाटा ने यह भी कहा था कि मेरी उपलब्धियां और आपके सारे सवालों का जवाब इन फाइलों में कैद है। जब फाइल देखी तो पता चला कि वो टाटा ग्रुप के हजारों शेयर के मालिक हैं, लेकिन कभी किसी फैसले में हिस्सा नहीं लिया। साइरस मिस्त्री विवाद के वक्त भी ना तो उन्होंने अपने भाई का साथ दिया ना साइरस मिस्त्री का, क्योंकि उन्हें विवादों से दूर और एक कोने में पड़े रहना अच्छा लगता है। मुकेश अंबानी की भाई अनिल अंबानी लाखों के कर्जे में होने के बावजूद सिंपल लाइफ में नहीं जी पाते। नेताओं और अधिकारियों के भाई या रिश्तेदार उनके पैसे पर ही ऐश करते हैं, रईसी दिखाते हैं, जबकि जिमी टाटा के पास खुद के शेयर का पैसा है, फिर भी वो इसे फिजूल खर्च नहीं करते। यही इंसान की सादगी होती है। उनके आसपास रहने वाले लोग कहते हैं इन्होंने भी रतन टाटा की तरह शादी नहीं की, इसलिए आज भी फ्लैट में अकेले ही पड़े रहते हैं। कभी कदार बाहर निकलना होता है, अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं है, कोई बहुत ही खास उनके फ्लैट में जा पाता है। इसी दो कमरे के फ्लैट में उन्होंने जिंदगी के कई साल गुजार दिए। रतन टाटा ने अपना 85वां जन्मदिन मनाया तो कई लोग पहुंचे, लेकिन 82 साल के जिमी टाटा शायद पार्टियों से दूर रहना पसंद करते हैं, लेकिन रतन टाटा जैसा जिंदा दिल इंसान जो देश के गरीब से लेकर मिडिल क्लास फैमिली तक के बारे में सोचता हो, बिजनेस से ज्यादा इंसानियत को तवज्जो देता हो, जिन्होंने कई मौकों पर कर्मचारियों की दिल खोलकर मदद की, वो अपने अकेलेपन को कभी छिपा नहीं पाए, और यही वजह रही कि उन्होंने बुजुर्गों के लिए युवा उद्यमी शांतनु नायडू के प्रोजेक्ट में निवेश किया तो दुनिया देखती रह गई। तभी तो देश और दुनिया कहती है कि रतन टाटा बनना आसान नहीं है। बिजनेस से पैसे तो हर कोई कमा लेगा, लेकिन रतन टाटा वाली इज्जत हर कोई नहीं कमा सकता जिनके बिजनेस आइडियाज और सादगी की दुनिया कायल है। क्या आप इससे पहले जिमी टाटा के बारे में जानते थे? हमें कमेंट करके बता सकते हैं।